उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके रूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है, बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती हैं, तो हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्ठ के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। यही सनातन धर्म कहता है और यही जीवन जिया था भाई जी। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो, मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो, इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें भाई जी की प्रत्यक्ष भूमिका उन सभी आंदोलनों, उन सभी अभियानों के साथ सदैव जुड़ी रही। उन्होंने गीता प्रेस को और कल्याण को अपनी सेवा का माध्यम बनाया, लेकिन आंदोलनों में भी, आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उसके लिए उन्हें देश की आजादी के बाद देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन आंदोलनों में भी, उन अभियानों में भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में भारत का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, क्या आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी है, ये संपूर्ण आजादी के लिए जो अभियान चला है, चला था, क्या उसका मतलब संपूर्ण आजादी नहीं थी, क्या केवल राजनीतिक आजादी के लिए सत्ता का हस्तांतरण मात्र देश की आजादी के आंदोलन का उद्देश्य था। और उस समय गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के जो अभियान चले थे, भाई जी कभी उससे अपने आप को पीछे नहीं किए, हमेशा अग्रणी होने का मैं उन सभी अभियानों के साथ ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। गो रक्षा का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का अभियान रहा हो, या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले किसी भी सार्थक प्रयास में योगदान देने का, मानव कल्याण के लिए हो या कहीं भी किसी आपदाग्रस्त मानव को, किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्यक्रम उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया।
कभी भी उससे अपने आप को पीछे नहीं किया। उन सभी अभियानों के साथ लगातार जुड़ते रहे, कार्य करते रहे। स्वतंत्र भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, भारत के रूप शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। क्यों गोरखपुर में नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए प्रयास उस बात के आज भी उन संस्थाओं के रूप में सभी भाई जी का स्मरण हम सबको गर्वस हम सबका ध्यान आकर्षित कर देता है। इसलिए आज के दिन पर धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति न होकर के हम इसको संपूर्णता के साथ जब लेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता ने भी हमें हमेशा कहीं भी धर्म की परिभाषा को एक छोटे से मार्ग तक सीमित करके नहीं रखा है, उसको एक विराटता के साथ लेने का प्रयास किया है। सदैव कर्तव्य के प्रति आग्रही बनाया है हर एक व्यक्ति को। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है तो हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैं अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा हूं और तब भी मैं अपने आप को सनातन हिंदू धर्मावलंबी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हम अपने धर्म के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हम न्याय नहीं कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और सनातन धर्म के प्रति हमारा यह Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. हम सबके द्वारा ईमानदारी से क्या क्या निर्वहन, वह हमें एक सच्चा सनातन धर्मावलंबी बनाता है। लेकिन जब भी हम उसे केवल पूजा पद्धति तक सीमित करते हैं तो हम उन्हें उन समुचित दायरों में कैद करके रखते हैं जो दुनिया के अंदर उन्हें किसी एक सेक्ट के रूप में, किसी एक मत और मजहब के रूप में उन छोटे से संकीर्ण दायरे में कैद करने का एक प्रयास होता है। सनातन धर्म बहुत विराट स्वरूप है, संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला। केवल मानवता ही नहीं, जीव मात्र को जीने की प्रेरणा देने वाला एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें सबको समाहित करने की क्षमता है, सबको अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हमने कभी नहीं कहा इस बात को कि मैं ही बड़ा हूं, कभी नहीं कहा। सनातन हिंदू धर्म की शिक्षाएं तो बहुत विराट है। अयम निज परो वेति गणना अनुचित साम, यानी ये भाव है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो भाव है, ये जो भाव है, ये संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं और दुनिया का जो द्वंद है इसी भाव के साथ हुआ है, इन्हीं से शुरू होता है। जहां पे द्वंद खड़ा होगा, जहां पे संकुचित भाव होगा, वहां द्वंद खड़ा होगा, क्योंकि फिर एक बोलेगा मैं बड़ा हूं, दूसरा कहेगा मैं बड़ा हूं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो ऋग्वेद है। यह हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन
धार्मिक नगरी या सांस्कृतिक नगरी के रूप में किसी की पहचान है तो वह काशी की पहचान है। दुनिया के पहले राजा कोई हुए हैं वह मनु हुए हैं और वह अयोध्या के राजा थे, यह हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उस सब के बावजूद हमसे प्रेरणा लेने वाले, सनातन धर्म से प्रेरणा लेने वाले अर्वाचीन मत और मजहब दुनिया के अंदर छा जाते हैं, हम लोगों की सीमाएं संकुचित होती भी दिखाई देती है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा, और इसलिए जब हम सभी भाई जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सदैव भाई जी ने जैसा कहा वैसे आचरण भी किया, जो लिखा उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया, जिस प्रकार के आलेखों का उन्होंने संपादन किया उसके अनुरूप उन्होंने आचरण भी किया और अन्य लोगों को भी उसके अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। समाज जीवन से जुड़े हुए कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसमें देश हित हो, जिसमें धर्म का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें मानवता का हित हो, जिसमें प्राणी मात्र का हित छुपा हुआ हो, और उसकी आज की आवश्यकता है उसमें उन्होंने कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं किया, कभी भी उससे पीछे नहीं हटे, बिना किसी भेदभाव के सबको उसके साथ जोड़ने का भी प्रयास उनका था। आज वही कारण है कि सदैव भाई जी को हम लोग आज उनकी 130वीं पावन जयंती के इस पावन कार्यक्रम के अवसर पर भी उसी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब सदैव भाई जी भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है लेकिन सनातन हिंदू धर्म तो हमेशा इस बात के लिए कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो अजर अमर है, इसकी हमेशा इस बात की हमेशा प्रेरणा देता है कि भौतिक देह भले ही बदलती हो उस अजरता अमरता की प्रेरणा हमें देता है। हम सबको विश्वास है कि सदैव भाई जी की जो प्रेरणा है सूक्ष्म निरंतर आशीर्वाद दे रही है, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है, भारत आज की दिशा में आगे बढ़ा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, एक एक करके वे सभी कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र पर भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, भारत के सांस्कृतिक यानी राजनीतिक आजादी के बाद भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय का एक प्रारंभ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, ब्रज क्षेत्र में जो विकास के कार्य वर्तमान में चल रहे हैं जिस प्रकार से वो अपने एक नए स्वरूप में नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने आया है, देश के अंदर भले ही अभी उसकी कीमत को हम समझने की कहीं भूल कर रहे हो लेकिन जो एक व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है प्राकृतिक खेती के माध्यम से भारतीय नस्ल के गोवंश को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का ध्यान है, वैश्विक मंच पर योग को मिली मान्यता और कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को यूनेस्को की विश्व यानी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त होना, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता मिलना ये भारत की परंपरा और भारत के द्वारा दी गई ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को दुनिया के वैश्विक मंच पर प्राप्त हो रही मान्यता का एक अन्य उदाहरण है। जहां पर व्यक्ति नहीं मान रहा है वहां प्रकृति उससे मनवा रहा है, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है, मानवता के कल्याण का मार्ग उसी से प्रशस्त होना है और आयुष को हर एक व्यक्ति आज उसी भाव के साथ देख रहा है।
मैं बीच में, मेरे पास एक बार एक सज्जन आए थे लखनऊ में मिलने के, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन कि मैं आपसे जरूरी बात से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या है तो विशेष? उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया है यूएस से, आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने उनको समय दिया, मैंने कहा ठीक है उस समय आ जाना। वे आए तो मैंने कहा बताइए कोई विशेष बात है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा ग्रैंडसन आपसे कुछ पूछना चाहता है। मैंने कहा भी क्या करते हो वहां? तो उसने कहा मैं वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और वहां कार्य करता हूं। तो मैंने कहा फिर आपका यहां पर क्या मतलब, कोई विशेष जिज्ञासा यहां से? उसने कहा नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। कहा कि मैं एक बार न्यू जर्सी में जा रहा था, अपनी कार से मैं जा रहा था, एक लाइन लगी हुई थी, इंडियन रेस्टोरेंट था वहां पे एक लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा तो कहा कि मैंने, मेरी भी जिज्ञासा हुई कि ये भारतीय रेस्टोरेंट है जिसके बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? तो सभी लोग थे उसमें, भारतीय मूल के लोग भी थे, अंग्रेज भी थे, सभी लोग उसमें लाइन में लगे हुए थे। मैंने कहा तो मेरी भी जिज्ञासा हुई क्या है मामला। तो मैं गया देखा कि वहां इतने छोटे छोटे गिलास पे लोगों को एक पीला पी पिलाया जा रहा है, लोग ले रहे थे उसको, $5 दे रहे थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या है, तो लोगों ने कहा ये हल्दी का पानी है। तो कहा हल्दी का पानी को $5 में लोग पी रहे थे, मुश्किल से दो दो तीन तीन चम्मच रहा होगा। तो मैंने कहा भाई, तो कहा मैंने भी लिया, मैंने भी पिया, उसका स्वाद तो था नहीं लेकिन और भी पी रहे थे तो मैंने भी पी लिया। तो मैंने पूछा लोगों से कि इससे क्या होता? लोगों ने कहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना, अच्छा हो गया। तो मैंने कहा आपने अपने घर में भोजन कभी पाया है कि और फास्ट फूड खाया है? कहा नहीं, घर में भी भोजन बनता है। मैंने कहा आपकी माँ ने आप